दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को सदी का सबसे बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद विराट ने संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन जाते जाते क्रिकेट को अलविदा कहते हुए भी वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने रोहित पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी रो पड़ेंगे आज। आखिरकार दोस्तों रोते हुए विराट कोहली ने रोहित पर क्या कुछ कहा और संन्यास क्यों लिया, उस पर भी दोस्तों उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट को संन्यास लेना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जब फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम बारबाडोस के मैदान में आमने सामने थी। आपको बता दें कि शुरुआत इतनी भयानक थी कि भारतीय फैन जो मैदान में मौजूद थे वो सीट पर चढ़कर अपनी सांसें रोककर खड़े हो गए थे कि अगली गेंद पर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले कि मैच शुरू होता अच्छे तरीके से हमारे 3 विकेट हो चुके थे। रोहित शर्मा 9 रन पर आउट हो गए, पंत 0 पर तो 3 पर सूर्यकुमार यादव। लग रहा था कि रोहित का पहले बल्लेबाजी का फैसला फायरबैक कर रहा है, लेकिन दोस्तों फिर एक खिलाड़ी भारत का सब पर भारी पड़ गया। ये वही खिलाड़ी है जिसकी पिछले मैच में रोहित शर्मा ने तारीफ करते हुए कहा था कि ये फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, देखते जाइए। और दोस्तों वो हैं विराट कोहली। 59 गेंदों में 128 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों विराट कोहली ने 6 चौके 2 छक्के लगाकर 76 रन की पारी खेली, और यही 76 रन की पारी भारत की बैकबोन बन गई इस मैच में। आगे चलकर दोस्तों अक्षर पटेल ने 31 में 47 तो 16 में 27 रन शिवम दुबे ने भी लगाए, और इतनी अच्छी पारियों के बल पर भारत का स्कोर अब 176 पहुंचा। उस टीम का स्कोर 176 पहुंचा दोस्तों जिसका स्कोर 100-125 भी नहीं पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन अब भी अफ्रीका की टीम के धाकड़ बल्लेबाजों का मैदान में आना बाकी था और उन्हें फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता था। आते ही दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने पहला झटका हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड करके दिया उन्हें। उसके बाद दोस्तों माकरम को कप्तान को निपटाया हमारे हर्षदीप सिंह ने, वो भी 4 रन पर। आगे चलकर दोस्तों अक्षर ने महत्वपूर्ण विकेट निकाला ट्रिस्टन स्टब्स का, और जो खिलाड़ी सब पर भारी पड़ रहा था, जो सबकी बैंड बजा कर रख रहा था, क्विंटन डिको की 31 में 39 रन लगा के दोस्तों उनको आउट किया हर्षदीप सिंह ने ही। दोस्तों इतनी धाकड़ गेंदबाजी और रनों की बौछारें हो रही थी कि अब रोमांच चौगुना हो चुका था। 106 पर 4 विकेट हो गए थे, और जीतने के लिए देखा जाए तो 41 गेंदों में 66 रन की ही दरकार थी। मामला अभी भी बेहद ही पेचीदा था और मुकाबला दोनों तरफा हो सकता था, और दोस्तों इसके बाद मामला पेचीदा हो भी गया था। मैच इतना ज्यादा फंस चुका था कि बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन, क्योंकि दोस्तों जीत के लिए मात्र और मात्र 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता, और भारतीय क्रिकेट टीम होनी को भी टाल देती है अपनी परफॉर्मेंस से। दोस्तों परफॉर्मेंस से मैच को अंतिम ओवर तक ले जाया गया, और जब 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे तब हार्दिक पांड्या ने चमत्कार करते हुए मिलर को कैच आउट कराया और भारत को मैच भी जिताया। दोस्तों भारत ने तो इतिहास रचा ही, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हो गया जो सबको रुला गया। भारत की जीत नहीं, उसने तो रुलाया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा रुलाया दोस्तों विराट के बयान ने, बयान संन्यास का। दोस्तों विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रिसीव किया और T20 से ही संन्यास ले डाला है, और संन्यास लेने के बाद दोस्तों रोहित शर्मा पर जो विराट ने कहा ना, वो सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि विराट ने अपने बयान में कहा, ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, आज भारत के लिए मैंने अपना आखिरी T20 गेम भी खेला है। मैं जानता हूँ ये फैसला बहुत कठोर है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। हम जीत गए और ये मेरा सपना था जो कि आज साकार हुआ रोहित शर्मा के बल पर। ये मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स, ये तारीफ मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, बस भारत को एक बार ICC की ट्रॉफी जिताना चाहता था, अपनी कप्तानी नहीं तो क्या, रोहित भाई की कप्तानी के अंडर हम जीते हैं। और मैं कहना चाहता हूं दुनिया भर के सामने कि ऐसा कप्तान, ऐसा खिलाड़ी और ऐसा दोस्त मैंने जीवन भर में नहीं देखा। इनके साथ जितने भी गेम खेले वो जिंदगी भर याद रहेंगे। हम ये ट्रॉफी जीत गए, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। रोहित इस सदी के सबसे बेहतर कप्तान है मेरी नजर में, तो ये मैन ऑफ द मैच के अवार्ड, ये ट्रॉफी उनके नाम और मेरे उन करोड़ों भारत देशवासियों के नाम जो मुझे भी ट्रॉफी जीतता हुआ देखना चाहते थे। अब वक्त आ गया है कि युवा पीढ़ी आगे चलकर मेरी जगह ले और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए, भारत को जिताए। ये जीत हम डिजर्व करते थे। दोस्तों विराट का बयान वाकई में रुला गया। ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत को क्या कुछ नहीं दिया, आज वो संन्यास ले चुका है। वैसे विराट की इन सब पारियों को, इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। और एडम मार्करम ने दोस्तों उस कैच को हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताते हुए सूर्य पांड्या पर जो कहा है ना, सुनकर आप भी दंग रहने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों क्या बोले मार्करम, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उस कैच को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा हमें। 229 जून वो रात है जिसका इंतजार एक दशक से ज्यादा से हो रहा है, क्योंकि इतने सालों से भारत में कोई ICC की ट्रॉफी नहीं आ पाई है। और आज जैसे ही मैच शुरू हुआ ना, वैसे ही दोस्तों सिक्का भारत के खिलाफ ही उछलने लगा। रोहित ना तो टॉस जीते और बल्लेबाजी में खुद उनका रन मात्र 9 रन रहा,
जैसे ही वो नौ रन पर आउट हुए दोस्तों, इसी ओवर में पंत जीरो पर आउट हो गए और रबाड़ा की गेंद पर सूर्या भी ना तीन रन पर निकल लिए थे पवेलियन की तरफ। लेकिन जहां मसले बड़े होते हैं वहां दोस्तों विराट कोहली जरूर खड़े होते हैं। 59 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के लगाकर उन्होंने 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। तो वहीं ऐसे मुश्किल वक्त में अक्षर पटेल ने भी दोस्तों 31 गेंदों में 47 रन बनाए, 4 छक्के 1 चौका लगाकर, और शिवम दुबे ने तो 16 में 27 लगाए ही 3 छक्कों की मदद से, जिसके बाद दोस्तों टोटल 176 बने और टारगेट दिया गया 170 रन का। दोस्तों वाकई में यकीन नहीं हो रहा था, एक वक्त पर जिस टीम के 35 पर 3 विकेट थे वो 170 का टारगेट देकर गई, लेकिन सब कुछ कोहली और अक्षर की बदौलत हुआ। लेकिन आगे चलकर इसे डिफेंड भी करना था और डिफेंड करने के लिए हमारी शुरुआत बड़ी जोरदार थी। दोस्तों बुमराह ने सबसे पहला विकेट अपनी टीम के लिए निकाला हेंड्रिक्स का 4 रन पर उन्हें क्लीन बोल्ड करके। इसके बाद मार्क्रम को हर्षदीप सिंह ने निटाया और सबसे ज्यादा तेज तर्रार पारी खेला ट्रिस्टन शॉप, जो 21 में 31 बना चुके थे। उनका विकेट तो अक्षर पटेल ने अपने नाम कर लिया पारी के 9वें ओवर में। और दोस्तों जैसे ये विकेट लिया ना, उसके बाद सनसनी मच गई थी, क्योंकि इस टीम के अब 70 पर 3 विकेट थे और आगे चलकर रन और बॉलों का अंतर इतना ज्यादा हो गया कि प्रेशर अफ्रीका पर ट्रांसफर हुआ, विकेट पर विकेट मिले और हमने इस मैच को जीत कर अपने नाम कर लिया। दोस्तों फाइनल की इतनी बड़ी जीत होगी किसी ने सोचा नहीं था, और अफ्रीका की टीम के कप्तान इतनी बड़ी हार देखेंगे वो भी कहां सोच के आए थे। लेकिन हार के बाद मार्करम ने कोहली और रोहित पर कहा जो आपको सुनना चाहिए। आपको बता दोस्तों कि हार कर मार्करम कहते हैं, यहां तक पहुंचने के लिए हमने शायद उतनी ही मेहनत करी थी जितनी भारतीय क्रिकेट टीम ने की होगी, और हम हर हाल में नहीं चाहते थे कि इस बार भी साउथ अफ्रीका की टीम को चौकर्स कहा जाए, क्योंकि हम फाइनल सेमीफाइनल तक तो बहुत बार पहुंचे हैं लेकिन जीत नहीं पाते थे। आज सामने भारतीय क्रिकेट टीम को देखकर हमारे मन में सवाल जरूर था कि अपने से बढ़कर किसी टीम से लड़ने जा रहे हैं तो मुकाबला आसान नहीं होगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो हमें सफलताएं मिली ना, उससे कहीं ना कहीं हमारी जीत हमें पक्की लग रही थी। लेकिन विराट कोहली पूरी तरीके से आउट ऑफ द सिलेबस आ गए, पूरे टूर्नामेंट में तो वो चले नहीं, लेकिन न जाने उन्हें क्या हुआ कि आज वो अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाकर गए। अब मुझे लगता है कि उनकी पारी का एक एक रन ना हमारी टीम की हार का सबसे बड़ा कारण बना है। उनके अगर वो पारी नहीं आती तो इंडियन टीम की हैसियत नहीं थी कि वो 150 से ज्यादा रन बनाते, ऊपर से अक्षर ने भी रन बना दिए जिससे कि वो एक अच्छे खासे टोटल तक पहुंच गए थे। और एक अच्छे खासे टोटल की खासियत यही होती है कि आप उसे डिफेंड कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने कमाल किया, बशर्ते इस बात के बावजूद कि हमारे सभी खिलाड़ी फॉर्म में थे, उनका विकेट बैक टू बैक निकालते गए जिससे कि प्रेशर बढ़ता चला गया। और ये फाइनल है, कोई गली का मुकाबला नहीं, यहाँ पर प्रेशर प्रेशर कुकर से भी ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि आज अगर हम हारे हैं तो पूरी तरीके से विराट और रोहित की वजह से हारे हैं। एक तो विराट की बल्लेबाजी, ऊपर से रोहित की कप्तानी इतनी ज़्यादा थी, और अक्षर ने तो सारा काम खराब किया है। लेकिन अब अगर भारत ही इस वर्ल्ड कप को जीत चुका है तो उन्हें जीत की बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने भी बहुत की थी और इंतज़ार भी। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों मार्करम ने भले ही हार का ठीकरा फोड़ा लेकिन जाते जाते बधाई भी दे गए। लेकिन दोस्तों अपनी टीम की हार का कारण सबसे बड़ा ना मार्करम ने सूर्य के उस कैच को भी बताया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मार्करम ने आगे चलकर अपने बयान में ये भी कहा, हम तो ये मैच जीते हुए ही थे। मिलर अंतिम ओवर में मैच को इंटेंशनली लेकर गए क्योंकि वो फिनिश कर सकते थे, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या की गेंद ने मिलर को बड़ा शॉट मारने पर मजबूर किया और सूर्य का वो कैच, वो मनहूस कैच मुझे हमेशा याद रहेगा। मतलब मैं क्या ही कहूं, आज अगर सूर्या वो कैच ना करते तो हम इस मैच को जीत कर अपने नाम करते। उस कैच को, उस गेंद को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, और हम हारे भी तो केवल उसी की वजह से। दोस्तों मार्करम का वैसे कहना तो सही है, वो कैच नहीं होता तो मैच भी नहीं जीतते। वैसे आप सभी उस कैच को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच में बेईमानी से आउट हुए रोहित शर्मा तो पूरे क्रिकेट जगत में मचा बवाल। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम के खिलाफ शुरुआत देखने को मिली, जिसके चलते भारतीय टीम दिक्कत में दिखाई दी। लेकिन इस बीच अब कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा को बेईमानी के चलते फाइनल मैच में दिया गया है आउट। तो आखिर क्या है पूरा मामला, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ में आपको यह भी बताने वाले हैं कि रोहित शर्मा आउट थे या नहीं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मैच फाइनल के तौर पर आज बारबाडोस के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अब गेंदबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की शुरुआत पिछले कुछ मुकाबले की तरह बेहतर तो नहीं रही, क्योंकि पावर प्ले के अंदर ही भारतीय टीम ने 34 रन के अंदर 3 विकेट दे दिए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा भी आज मात्र 9 रन की पारी खेलने के बाद पवेलियन को लौट गए।